रिया, मैंने तुम्हें कितने कॉल किए और तुम? क्या हुआ रिया, तुम मुझे कई दिनों से इग्नोर कर रही हो, आखिर बात क्या है? हाँ तो इग्नोर नहीं करूँ तो और क्या करूँ ध्रुव? एक लड़की को रोज के बुके, व्हाट्सएप पर इमोजी और मॉल में फिल्म और पॉपकॉर्न के अलावा और चीजों की भी जरूरत होती है। मैं समझा नहीं रिया, तुम कहना क्या चाहती हो? क्या तुम हमारे रिलेशनशिप से खुश नहीं हो? खुश थी ध्रुव, पर सैटिस्फाइड नहीं। कौन सी कमी है मुझमें रिया? एक अच्छी नौकरी है, कंफर्टेबल जिंदगी है, पैसा है। ध्रुव तुम्हें नहीं लगता कि एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो मिसिंग है? जैसे कि फिजिकल इंटीमेसी, प्यार जताने और करने का अंदाज। डू यू इवन रिमेम्बर द लास्ट टाइम वी मेड लव? बिल्कुल याद है, तुम्हारी बर्थडे पार्टी की रात का वो लेट नाइट ड्राइव। तुम उसे लव मेकिंग कहते हो? हाँ, यू नीड एन एजुकेशन ध्रुव, आई थिंक हमें ब्रेक की जरूरत है। इतना कहकर रिया ने अचानक फोन डिस्कनेक्ट कर दिया और ध्रुव को सोचने पर मजबूर कर दिया। ध्रुव एक हैंडसम और सक्सेसफुल नौजवान था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसमें कमी थी क्या। तो मुझे एजुकेशन की जरूरत है, यानी कि मुझे पता ही नहीं कि एक लड़की से प्यार कैसे करते हैं, उसे इजहार करने का फिजिकल अंदाज क्या होता है। चलो ठीक है, वहीं चलता हूं जहां ज्ञान का भंडार मिलता है। ध्रुव गाड़ी में बैठा और शहर की एक अच्छी लाइब्रेरी में दाखिल हुआ। रात के अंधेरे में सिर्फ एक टेबल लैम्प की रोशनी के नीचे एक किताब हॉल के बीचों बीच एक मेज पर रखी हुई थी। ध्रुव ने चारों ओर नजर मारी तो पाया कि कोई भी स्टाफ इस वक्त वहां मौजूद नहीं था। वो टेबल पर पहुंचा और उसने देखा कि किताब पर धूल जमा थी, और जैसे ही ध्रुव ने उस पर फूंक मारी तो एक तिलस्मी पाउडर उसके चेहरे पर आ गिरा, जैसे कई जुगनू एक साथ अंधेरे में जल उठे हों। इससे पहले कि ध्रुव किताब का नाम पढ़ पाता, उसे एक आवाज सुनाई दी, ध्रुव। सुनसान रात में एक औरत की आवाज ने ध्रुव को एकदम चौंका दिया। हाँ? कौन है आप और मेरा नाम कैसे जानती हैं? नए इंसान के दिल में बसे हर एक जज्बात को बखूबी जानती हूं और ये भी जानती हूं कि तुम्हें क्या परेशानी सताई जा रही है। आखिर आप हैं कौन? मैं हूं प्रेम की देवी, और इस पुराने और नायाब ग्रंथ की सूत्रधार, जिसे कहते हैं काम सूत्र। अच्छा, वही किताब ना जिसमें सेक्स करने के कई तरीके बताए गए हैं। क्या किस्मत है मेरी यार, आज ही ब्रेकअप हुआ है और आज ही आपसे मुलाकात भी हो गई। ध्रुव, मैं सिर्फ संभोग ही नहीं बल्कि इंसान के साइकोलॉजिकल, फिजिकल और स्पिरिचुअल प्लेजर की भी इष्ट देवी हूं। आओ सुनो, मैं तुम्हें क्या बताती हूं। अपनी पार्टनर को खुश और सैटिस्फाई करने के उपाय से लेकर अपने प्रेम संबंध में खुशहाली लाने के मैं तुम्हें सिखाऊंगी तरीके। क्या आपका मतलब कि मैं रिया को वापस पा सकता हूँ? अगर तुमने मेरे बताए उपायों, तरीकों और स्वभाव को अपनी निजी जिंदगी में उतार आना, तो न सिर्फ रिया तुम्हारी होगी बल्कि तुम्हारे फिजिकल और स्पिरिचुअल बॉन्ड में भी तुम एक नया पन पाओगे। पर ध्यान रहे, काम सूत्र भारत के इतिहास, संस्कृति और परंपरा का एक अटूट अंग है, और ये जितना सेक्स के बारे में आपको ज्ञान देता है, उतना ही आपको अपनी पार्टनर का सम्मान और उसे बराबर का हक देने की भी बात करता है। तो बताइए इश्क देवी, मैं अपनी फिजिकल रिलेशनशिप को कैसे बेहतर कर सकता हूँ? जैसा मैंने कहा ध्रुव, जानने के लिए ये लाजमी है कि तुम्हें काम सूत्र का इतिहास मालूम हो। अगले एपिसोड में ध्रुव के साथ आप भी जानेंगे कामा सूत्रा के कुछ बहुत स्पेशल टिप्स, जिनमें टच यानी कि स्पर्श भी शामिल है। क्या महत्व है स्पर्श का? अपने पार्टनर को एक भरपूर प्लेजरफुल एक्सपीरियंस देने में स्पर्श का कितना योगदान है? क्या स्पर्श सिर्फ फिजिकल प्लेजर के लिए ही है? ऐसे ही कई और सवाल हैं स्पर्श को लेकर, जिनके राज
अगले ही एपिसोड में खुलने वाले हैं। ध्रुव अपनी सेक्स लाइफ बेहतर करने के लिए उत्सुक था। वो चाहता था कि उसकी पार्टनर रिया के साथ उसका रिश्ता तन मन और धन से एक प्लेजरेबल जिंदगी जीने में मदद करे, और इस लाइब्रेरी में काम सूत्र की इष्ट देवी से रूबरू होकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई सोने की खान हाथ लग गई हो। बताइए इष्ट देवी, जितनी जल्दी मैं काम सूत्र का इतिहास समझ पाऊंगा उतनी ही जल्दी मैं रिया से मिलकर अपना रिश्ता बेहतर कर पाऊंगा। तो सुनो ध्रुव, आचार्य वात्स्यायन द्वारा लिखा गया ये ग्रंथ भारतीय ज्ञान और संस्कृति का ऐसा अनमोल और अनूठा अध्याय है जो सदियों से लोगों द्वारा पढ़ा और सिखाया गया है। इसकी रचना कब और कैसे हुई थी? इसकी रचना कब हुई, इस बारे में बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग राय दी है। इस ग्रंथ को लेकर कई विचारधाराएं प्रचलित हैं, जिनके अनुसार इसे कुछ 1.5 से 2.5 हजार साल पहले रचा गया था ऐसा माना जाता है। रोचक बात तो यह है कि कामसूत्र स्वयं में एक मूल ग्रंथ नहीं है, बल्कि खुद ब्रह्मा जी द्वारा धर्म, अर्थ और काम के नियमन और व्यवस्था के लिए तैयार किए गए संविधान के काम वाले हिस्से का रूप है। क्या तुम जानते हो इस संविधान में 1,00,000 अध्याय थे? 1,00,000 अध्याय? क्या मुझे अपना रिलेशनशिप सुधारने के लिए 1,00,000 चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे? नहीं ध्रुव, ये ग्रंथ केवल काम या वासना के बारे में नहीं है, हालांकि ये विषय ग्रंथ के प्रचलित अध्याय हैं। इसमें धर्म और अर्थ जैसे विषयों पर भी विषयक अध्याय हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव के सेवक नंदी ने इस ग्रंथ को 1,000 अध्यायों में लिखा था। नंदी के बाद उद्दालक ऋषि के पुत्र श्वेत केतु ने इसे कुछ और समेट कर कुछ 500 अध्यायों में बदला और इसे और भी संक्षिप्त किया। पांचाल देश के विद्वान बाभ्रव्य ने, जिन्होंने इसे 150 अध्यायों में समेट दिया। थैंक गॉड, मुझे लगा कि रिया के साथ अपना फिजिकल और इमोशनल रिश्ता ठीक करने के लिए मुझे कोई महारत हासिल करनी पड़ेगी। कितने भोले हो तुम। इस ग्रंथ को समझना किसी महारत से कम नहीं है ध्रुव, क्योंकि ये एक ऐसी रचना है जिसने साहित्य, कला, संस्कृति आदि में अनेक विचारों को इंस्पायर किया है। अगर तुमने राजस्थानी कलम में रचित अनेक चित्र नहीं देखे तो कम से कम खजुराहो की वर्ल्ड फेमस मूर्तियों को तो जरूर देखा होगा। इसके अलावा सदियों से ये ग्रंथ अनगिनत कवियों के प्रसिद्ध लेखों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी रहा है। अरे हाँ, खजुराहो को कौन नहीं जानता। मुझे याद है कि बचपन में जब भी खजुराहो के बारे में टीवी पर कोई प्रोग्राम आता था तो मैं शर्म से लाल हो जाता था और चैनल बदल देता था, क्योंकि मम्मी और पापा भी वहीं बैठा करते थे। ध्रुव, बेशक हम में से बहुत सारे लोगों ने कामसूत्र नहीं पढ़ा होगा, लेकिन शायद ही कोई ऐसा हो जिसे इसके बारे में पता न हो। वैसे आज इस ग्रंथ के बारे में जानकारी डिजिटल माध्यमों की वजह से पहले से काफी बढ़ चुकी है, जब ये ज्ञान बहुत सीमित था। कामसूत्र को अधिकतर लोग एक सेक्स मैनुअल के रूप में देखते थे, और आज भी है, जिसका उद्देश्य लोगों को उनके यौन संबंधों को बेहतर बनाने की शिक्षा देना है। लेकिन असल में इसकी अलग अलग धाराएं भी हैं। इष्ट देवी, मुझे तो सबसे पहले अपने यौन संबंध यानी कि सेक्सुअल लाइफ को ठीक करना है, और मुझे जानना है कि मैं इसे कैसे बेहतर कर सकता हूं। क्या इस ग्रंथ में ऐसे उपाय हैं? क्या इसमें कुछ टिप्स या गाइडेंस भी हैं जिसे अपने निजी जिंदगी में उतार कर मैं रिया को भी खुश कर सकूं और एक हेल्दी पार्टनरशिप को एंजॉय कर सकूं? तुम्हारे सभी सवालों का जवाब इसी ग्रंथ के
छठे अध्याय में है ध्रुव। कामसूत्र का छठा अध्याय ज्यादातर प्रेम और वासना पर केंद्रित है। इसमें आचार्य ने विस्तार से बताया है कि एक अच्छे अनुभव के लिए कौन से सामान्य गुण जरूरी होते हैं और एक कपल के इसमें कर्तव्य क्या होते हैं। इसमें ये सब बातें हैं और इसमें ये भी बताया गया है कि महिलाओं को किन स्थितियों में किस प्रकार के पुरुषों के साथ सहवास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अपने प्रेमी के साथ उनका व्यवहार कैसा हो आदि। अरे यही तो मैं जानना चाहता हूं, तो बताइए शुरुआत कहां से और कैसे करनी चाहिए। ध्रुव, जब तुम रिया से अपने प्रेम का इजहार करते हो तो कैसे करते हो? इष्टदेवी मैं अरे इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है ध्रुव, तुम एक बालिक युवक हो और मैं कामसूत्र की इष्ट देवी। एक गुरु और छात्र में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, यही ज्ञान प्राप्त करने का सबसे उचित तरीका है। जी मैं रिया को अक्सर उसके हाथ या गाल पर चूमकर अपना प्रेम दर्शाता हूँ। कभी तुमने सोचा है कि स्त्री और पुरुष में सबसे बड़ा अंतर क्या होता है? जी हमारे शरीर अलग हैं। ठीक कहा तुमने। जहां पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन की वजह से सेक्सुअल ड्राइव काफी फिजिकल होती है, वहीं महिलाओं में ये एक फिजिकल एक्सपीरियंस होने के साथ साथ एक बहुत ही इमोशनल और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होता है। तो बताओ ध्रुव, एक महिला को सैटिस्फाई करने के लिए वो कौन सी चीजें हैं जो उसे इन दोनों एक्सपीरियंसेस को प्लेजरेबल बनाने के लिए सबसे जरूरी है? लेट मी थिंक, क्या सीए कुछ है जो मैं नहीं कर रहा? तुम्हारा जवाब है स्पर्श, यानी टच। टच? मैं तो हमेशा रिया को टच करता हूं, यानी कि टच के बिना प्रेम कैसे किया जाता है? ठीक कहा तुमने ध्रुव, तुम टच तो करते हो लेकिन किस तरह? क्या तुम सब्र के साथ रिया को स्पेशल फील करवाते हो, उसे ये एहसास दिलाते हो कि तुम उसके तन और मन की पूजा करते हो? यही तो प्रेम पाश का असली तरीका है। अब आपने इस बात का जिक्र किया है तो मुझे याद आया कि मैं हमेशा जल्दी में रहता हूं। रिया का अक्सर मुझे ये कहना है कि उसे और वक्त चाहिए, लेकिन मैं उसे वो दे नहीं पाता। बिल्कुल, स्पर्श के साथ साथ यौन मिलाप में ऐसी कई और चीजें हैं जिन्हें सीखकर इस नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस का भरपूर आनंद उठाया जा सकता है। तो बताइए इष्ट देवी, बताइए मुझे वो सारे राज जिन्हें मैं अपने यौन जीवन में पिरो सकता हूं। सिर्फ स्पर्श ही प्रेम दर्शाने का एकमात्र तरीका नहीं है, ऐसे और भी कई इशारे, मूव्स, टेक्निक्स और अप्रोच हैं जिससे आप अपने पार्टनर को यौन मिलाप यानी कि सेक्सुअल इंटरेक्शन के दौरान सेटिस्फाई कर सकते हैं। स्पर्श यानी टच के अलावा कौन से हैं ये स्पेशल टेक्निक्स? कहीं आप कुछ ऐसी स्पेशल टिप मिस तो नहीं कर रहे हैं जिससे आप अपनी सेक्सुअल एक्सपीरियंस पूरी तरह से एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं? उन टिप्स को जानने के लिए चलिए हमारे साथ अगले एपिसोड में। ध्रुव कामसूत्र में छुपे यौन मिलाप को बेहतर करने के तरीकों को सुनने और समझने के लिए बेताब था। तभी वो पूछता है, इष्ट देवी मुझे बताइए कि क्या स्पर्श ही यौन मिलाप के लिए सबसे जरूरी होता है? टच के बिना, एहसास के बिना तो बाकी सब बेकार है, नहीं? ध्रुव, हमारा शरीर एक बायो मैकेनिकल मशीन है। ठीक जिस तरह एक मशीन को चलने के लिए पुर्जे चाहिए, वैसे ही हमारे हाथ पांव होते हैं। मशीन को सही सलामत चलाने के लिए उसमें तेल और पेट्रोल, डीजल इत्यादि यानी कि ईंधन की जरूरत होती है, और मशीन की बॉडी को बरकरार रखने के लिए
उस पर कोटिंग इत्यादि का इस्तेमाल किया जाता है। अरे हमारी बॉडी बॉडी है या कोई कार? मानव शरीर बायोमैकेनिकल है ध्रुव, जिसमें मेंटल, मस्कुलर और स्केलेटल ताकत बहुत जरूरी होती है। इन तीनों का सही सलामत काम करना और मिश्रण ही यौन मिलाप में भी काफी जरूरी हो जाता है। सबसे पहले यौन मिलाप एक फिजिकल एक्टिविटी होता है, इसलिए हमारी हड्डियों और मांसपेशियों का बना रहना काफी जरूरी होता है। इसके लिए हमें एक पौष्टिक आहार यानी कि बैलेंस डाइट लेनी काफी जरूरी होती है। आहार पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन और महिलाओं में ईस्ट्रोजन रसायनों, जो कि सेक्सुअल हेल्थ के लिए सबसे जरूरी है, इसके उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। इष्ट देवी, मैं तो अपने फिटनेस का काफी ध्यान रखता हूँ। मैं खेलता हूँ, जिम जाता हूँ और मेरा डाइट भी काफी अच्छा है। मेरी कोई बुरी आदतें नहीं है, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग इत्यादि। तो इनके अलावा वो और कौन सी चीजें हैं जिससे मैं अपने प्यार का इजहार कर सकता हूँ? इस ग्रंथ में बताया गया है ध्रुव, यौन संबंध एक प्राकृतिक और मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, जिसमें प्रेम और संबंधों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमारे यौनिक जीवन के कई पहलुओं का इसमें विस्तार से वर्णन हुआ है, जैसे कि श्रृंगार यानी कि ग्रूमिंग या प्यूरिफिकेशन। शरीर के सुंदर होने का ये मतलब है कि व्यक्ति तंदुरुस्त है, वो आकर्षक होने के साथ साथ ताकतवर यानी कि फिट भी है। दरअसल आजकल की मॉडर्न लाइफस्टाइल, जैसे कि बुरा खाना पीना और बाकी आदतों की वजह से हमारे शरीर पर मोटापे की एक परत उग जाती है, जो कि हमारी सुंदरता को छुपा लेती है। उम्र के साथ साथ हमारा सिस्टम धीमा हो जाता है और कई लोग तो इम्पोटेंस का शिकार भी हो जाते हैं, यानी कि वो अपनी सेक्सुअल ड्राइव तक खो देते हैं। जरा सोचो ध्रुव, यौन मिलाप के आनंद जैसा नेचुरल गिफ्ट हम अक्सर बुरी आदतों की वजह से खो देते हैं, जो कि प्रेम और अनुराग की भावना स्पर्श पर आधारित होती है। अब क्योंकि प्रेम और अनुराग की भावना स्पर्श पर आधारित होती है, तो एक विभास शरीर को कौन चुना चाहेगा? सौंदर्य, संगीत, गंध और स्पर्श को और मजबूत बनाने के लिए बहुत जरूरी होता है। आखिर शरीर के माध्यम से किस प्रकार प्रेम की भावना को एक्सप्रेस किया जा सकता है? जब तुम रिया से मिलते हो ध्रुव, तो सबसे पहले क्या करते हो? मैंने बताया ना, मैं उसके करीब जाता हूँ और मैं उसका हाथ या गला चूमता हूँ। उससे भी पहले तुम दोनों के बीच कुछ ऐसा होता है जिससे तुम दोनों करीब आ जाते हो। वो क्या है, जरा सोचकर बताओ। ऐसा कुछ खास याद नहीं आ रहा। मैं बताऊं? तुम दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हो। यही तो प्रेम का, यौन मिलाप का सबसे पहला और सबसे जरूरी स्रोत है। यस, जब भी मैं रिया को देखता हूँ तो ना जाने कितने सारे एहसास मुझे एक साथ छू लेते हैं। मुझे मन करता है कि मैं उसका हाथ थाम लूं, उसे गले लगा लूं, उसकी खुशबू पा लूं, उसके बालों की खुशबू में खो जाने का मन करता है। एग्जैक्टली, स्पर्श केवल फिजिकल नहीं होता, यौन मिलाप एक शारीरिक एक्सपीरियंस होने के साथ साथ एक साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल अनुभव भी होता है। इसके साथ साथ तुम दोनों की उंगलियों का एक साथ मिलना, हल्की सी गुदगुदी, एक दूसरे की बाहों को जकड़ना, गले मिलकर कुछ ना कुछ कहना, ये सब सेक्सुअल बॉन्डिंग का एक जरूरी भाग है, जिसे हम फोरप्ले कहते हैं। इनके साथ साथ अपने पार्टनर के साथ एक मधुर वाणी यानी कि सॉफ्ट और सेंसुअल वॉइस में बात करना, उसके कान में विस्पर करना, हमारी सांसों का मिलना, शरीर की गर्माहट और एहसास, दिल की धड़कनें इत्यादि सभी सेक्सुअल प्लेजर को हाइटन करती हैं। इष्ट देवी, काम सूत्र में बताए गए और किन-किन उपायों को हम यौन मिलाप में इस्तेमाल कर सकते हैं? स्पर्श के अलावा इस ग्रंथ में
उद्दीपन यानी कि स्टिमुलेंस का भी वर्णन है, जिनके अनुसार मदिरा पदार्थों का उपयोग किया जा सकता है जो सेक्सुअल ड्राइव को बूस्ट करते हैं। सेक्सुअल यूनियन यानी कि लिंगों के स्पर्श के बारे में भी इस ग्रंथ में विस्तार से बताया गया है, जिसके जरिए प्रेमी दोनों अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। इसके अलावा और भी कई तरीके हैं जिनकी इस ग्रंथ में एक्सप्लेनेशन दी गई है। वाओ, ये तो अपने रिश्तों को सही करने का वन स्टॉप शॉप है। किसे पता था कि हजारों साल पहले लिखा हुआ ये भारतीय ग्रंथ ऐसा होगा? कामसूत्रा सिर्फ भारत में नहीं ध्रुव, बल्कि दुनिया के लगभग हर एक देश में पढ़ा या पढ़ाया जाता है। वेस्ट यानी अमेरिका और यूरोप में तो इस विषय में लोगों ने पीएचडी तक की है, और ये ग्रंथ लाखों लोगों को सिर्फ यौन मिलाप ही नहीं बल्कि डिप्रेशन, हार्ट डिजीजेस, स्ट्रेस और मूड स्विंग्स जैसी बीमारियों से भी बचाता है। क्या? डिप्रेशन, स्ट्रेस, हार्ट डिजीज, मूड स्विंग्स, इन सब का यौन मिलाप यानी कि सेक्सुअल प्लेजर के साथ क्या लेना देना? ध्रुव, जब तुम जिम जाते हो और एक अच्छा वर्कआउट करते हो तो तुम्हें कैसा लगता है? The gym is my favorite place. वहां जाकर मुझे कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि वर्जिश यानी कि फिजिकल एक्सरसाइज से मुझे ताकत का एहसास होता है। क्या तुम जानते हो कि किसी भी शारीरिक परिश्रम यानी कि फिजिकल एक्टिविटी की वजह से हमारे शरीर में एक हैप्पी हार्मोन रिलीज होता है? हाँ, अरे नाम भूल गया, क्या कहते हैं उसे? डोपामाइन। ठीक उसी तरह सेक्स भी हैप्पी हार्मोन को रिलीज करने में काफी मदद करता है। सेक्स एक तरह की एक्सरसाइज है जो हमारी हार्टबीट बढ़ाती है, जिसकी वजह से हम पसीने के जरिए टॉक्सिन्स को शरीर से निकाल देते हैं। इसके साथ साथ शरीर में जमा कोलेस्ट्रॉल भी घट जाता है, जिससे हार्ट डिजीज का रिस्क काफी कम हो जाता है। डोपामाइन की वजह से स्ट्रेस भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा मानसिक संतुलन यानी कि मूड भी हमेशा ठीक रहता है। तो एक तरह से देखा जाए तो काम सूत्र में ये विस्तार से बताया गया है कि मनुष्य के शारीरिक और मानसिक सुख और शांति के लिए यौन लाभ किसी दवा से कम नहीं है। वाओ, कितना महान है ये ग्रंथ, जिसमें प्लेजर के साथ साथ फिजिकल और साइकोलॉजिकल हेल्थ के उपाय भी दिए गए हैं। लेकिन इष्ट देवी, मुझे तो रिया को खुश करने के उपाय जानने की बेसब्री है। आपने फोरले का जिक्र किया था, मुझे जानना है कि इसका यौन मिलाप में क्या रोल है और इसके तरीके क्या क्या हैं। आखिर क्या है फोरले? आपने ये शब्द तो जरूर ही सुना होगा, लेकिन इसका महत्व और उद्देश्य क्या है? कामसूत्र जैसे महान ग्रंथ में फोरले के बारे में क्या राज छुपे हैं, जिन्हें आप अपनी जिंदगी में आजमा कर अपना सेक्सुअल एक्सपीरियंस ऑप्टिमम कर सकते हैं? बने रहिए हमारे साथ अगले एपिसोड में, क्योंकि कौन नहीं जानना चाहेगा फोरले के सीक्रेट्स और उनके फायदे। ध्रुव धीरे धीरे चीजों को समझने लगा था। अब वो बेसब्री से जानना चाहता था कि फोरप्ले का क्या और कितना बड़ा रोल है हमारी सेक्सुअल लाइफ में। देखो ध्रुव, किसी भी काम को करने से पहले हमें तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि हमारी तैयारी पर ही हमारी मेहनत सफल होती है ना? और प्यार के इजहार में भी थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो यौन मिलाप के सफर में ऐसे कौन से काम की तैयारी करनी चाहिए जो दोनों प्रेमियों को भरपूर आनंद देती है? कामसूत्र में पूर्व चरित्र यानी कि फोरप्ले को काफी महत्व दिया गया है। फोरप्ले यौन मिलाप के स्वर्ग का वो रास्ता है जो खासकर आपकी महिला पार्टनर को इस अनुभव का एक अच्छा एहसास और प्लेजर देने में सबसे जरूरी होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी पार्टनर सेक्सुअल इंटरकॉर्स से पहले पूरी तरह उत्तेजित या अरास हो जाए, तो फोरप्ले करना सीख लीजिए। फोरप्ले कोई काम थोड़ी है इष्ट देवी, ये तो प्यार जताने का एक तरीका हुआ ना? बिल्कुल, लेकिन जैसे किसी भी काम को सही तरह से करने में एक अच्छी शुरुआत का बहुत बड़ा किरदार होता है, वैसे ही
यौन मिलाप में भी पूर्व चरित्र यौन संबंध के आनंद को भरपूर बनाने के लिए बहुत जरूरी है और स्त्री के लिए तो यह अत्यंत जरूरी है, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया था, पुरुष के लिए सेक्स एक फिजिकली प्लेजरेबल एक्टिविटी हो सकती है, लेकिन महिला के लिए ये एक फिजिकल, साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल प्लेजर का जरिया होती है। नए कपल्स अक्सर सेक्स को लेकर ज्यादा उत्साहित और चिंतित भी रहते हैं। सही कहा आपने, मुझे हमेशा ये टेंशन रहती है कि मैं रिया को सैटिस्फाई नहीं कर पा रहा, या कंफ्यूज रहता हूँ कि क्या रिया को भी उतनी ही खुशी हुई होगी या उतना ही मजा आया। इसीलिए किसी के लिए भी कामसूत्र में दिए गए उपायों को जानना आवश्यक है, ताकि वो इस अनुभव का पूरा पूरा मजा ले सके। सिर्फ नए कपल्स के लिए ही नहीं, बल्कि शादीशुदा कपल्स के लिए भी इस ग्रंथ में दिए गए टिप्स बहुत अच्छे होंगे, जिन्हें सेक्स को बाहुल्य लगने लगा है। सेक्स में ये बहुत जरूरी है कि दोनों पार्टनर्स की इच्छा और आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाए। यदि सेक्स करने में किसी एक की भी रुचि कम हो तो आप सेक्स का मजा नहीं ले सकते। इसलिए नए कपल्स को यौन मिलाप करने से पहले इन टिप्स को समझना चाहिए। ये दोनों पार्टनर्स के सेक्सुअल ड्राइव को बढ़ाने में काफी मदद करते हैं। मुझे लगता है कि मैं हमेशा जल्दी में होता हूँ, क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ या नॉट डूइंग इनफ? इसमें सही और गलत नहीं है सिर्फ, बल्कि अपने पार्टनर को भी यौन मिलाप का भरपूर सुख देने की बात है। फॉरप्ले सेक्स की शुरुआती कड़ी है। कामसूत्र के अनुसार फॉरप्ले में एक्चुअल इंटरकॉर्स से पहले अपने साथी को गले लगाना और उसके शरीर को महसूस करना शामिल है, लेकिन ये गले लगाना सामान्य गले लगाने से अलग होना चाहिए। कामसूत्र के अनुसार गले लगते समय आपको अपनी भुजाओं को कम और अपने पूरे शरीर को ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आप अपने पार्टनर के शरीर को छूने, रगड़ने, दबाने आदि का मौका पाते हैं और उसे भी ये मौका मिलता है। इस तरह आप एक दूसरे के शरीर के एरोजेनस ज़ोन्स को स्टिमुलेट कर सकते हैं। Erogenous zones, ये क्या होते हैं? मुझे जब रिया छूती है तो बॉडी के अलग अलग जगह मुझे अलग अलग फीलिंग होती है, कई बार तो मैं सेक्सुअली अलर्ट भी हो जाता हूँ। इन्हीं को erogenous zones कहते हैं। शरीर के इन अंगों और जगहों को छूने से आप और आपके पार्टनर में यौन उत्तेजना यानी कि सेक्सुअल अराउजल होता है। इस तरह आपके अपने पार्टनर को छूने से आपके पार्टनर को भी सेक्सुअल स्टिमुलेशन का एहसास होता है। इसलिए गले लगते समय अपने शरीर के अन्य हिस्सों का ज्यादा और हाथों का कम से कम उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा आप चुम्बन भी ले सकते हैं। देवी, मुझे एक पुरुष होकर अपने एरोजेनस ज़ोन्स के बारे में तो मालूम है, लेकिन ये क्या एक महिला में भी होते हैं? क्यों नहीं होंगे? पुरुष और महिला के यौन मिलाप से ही तो सेक्स के अनुभव का सुख प्राप्त होता है। तो मुझे बताइए कि महिला के एरोजेनस ज़ोन्स कौन से होते हैं? कई पुरुषों को नहीं पता होता है कि महिलाओं की बॉडीज में कुछ ऐसे स्पेशल पार्ट्स होते हैं जिन्हें सहलाने से उन्हें जबरदस्त सेक्सुअल प्लेजर फील होता है। आपको बस इस बात का ज्ञान होना चाहिए, जिसके बाद आप अपने पार्टनर को दे सकेंगे कुछ एक्स्ट्रा प्लेजर्स। तो कौन कौन से हैं एरोजेनस ज़ोन्स? उदाहरण के लिए महिलाओं के कॉलरबोन बहुत सेंसिटिव होते हैं। अगर आप अपनी उंगलियां सही जगह पर रखकर कॉलरबोन सहलाएंगे तो उन्हें बहुत अच्छा फील होगा। कॉलरबोन के आसपास की त्वचा यानी कि स्किन काफी पतली होती है, इसलिए टच के प्रति काफी रिएक्टिव होती है। क्या तुम जानते हो ध्रुव कि जीभ के बाद फिंगर टिप्स को शरीर का सबसे सेंसिटिव भाग माना जाता है? आप उनके फिंगर टिप्स को किस कर सकते हैं या फिर हल्की जीभ फेरा सकते हैं, दांत के सिद्धांत भी चुभा सकते हैं। फिर रीढ़ की हड्डी यानी कि स्पाइन, इस जोन के बारे में लोगों को बहुत कम पता होता है, लेकिन ये सबसे ज्यादा प्लेजर देने वाली जगह होती है। आप उनकी स्पाइन पर आहिस्ता से किस कर सकते हैं या हल्के से प्लेजर के साथ एक उंगली उनकी स्पाइन पर नीचे तक फिरा भी सकते हैं। प्लेजर देने के अंगों में कान काफी कॉमन है। उनके कान में आहिस्ता से मीठी बातें करें, उन्हें किस या ईयर लूप पर हल्के से काट लें। बस
उनका मूड बन जाएगा। ये सब तो सही है, पर मुझे शुरुआत कहां से करनी चाहिए? लेटने से पहले आपको अपने पार्टनर से उनके पैर धोने की रिक्वेस्ट भी कर लेनी चाहिए, क्योंकि महिला के शरीर का सबसे सुंदर अंग उनके पैर होते हैं, और इन्हें भी तो पैम्परिंग यानी कि प्यार की जरूरत महसूस होती है ना। इसके अलावा उनके तलवों को किस या जीभ से आप स्पर्श भी कर सकते हैं, जिससे आप उन्हें सेक्सुअली अराउज कर सकते हैं। वाओ, द हिट्स कीप ऑन कमिंग। मुझे अब लगता है कि ये छोटी छोटी चीजें जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, यही तो अपने पार्टनर को सुप्रीम सेक्सुअल प्लेजर देने में सबसे जरूरी होती हैं। लेकिन इष्ट देवी, मुझे ये बताइए कि इन सब तरीकों के अलावा ऐसे कौन से और जरिए हैं जिनसे अपने पार्टनर को सैटिस्फाई किया जा सकता है? ध्रुव को कामसूत्र के जरिए अपने सेक्सुअल रिलेशन को बेहतर बनाने के कई उपाय मिल रहे थे, साथ ही उन्हें ऐसा ज्ञान भी मिल रहा था जो कि उन्हें अपनी ही तरह के कई और लोगों की तरह नहीं पता था। दोस्तों, जहां दो पार्टनर्स का मिला होना हो, वहां गिव एंड टेक के रूल का चलना तो तय ही है। वो कहते हैं ना कि आजादी भी कुछ नियमों के तहत ही पूरी तरह से महसूस की जा सकती है। तो बस आपको भी अगर अपने पार्टनर के साथ सेक्स का भरपूर आनंद उठाना है और उनको भी एक प्लेजरेबल सेक्सुअल प्लेजर देना है, तो आने वाले एपिसोड में बताए जाने वाले उन टिप्स को सुनना और आजमाना न भूलिएगा, जो कि आपकी सेक्स लाइफ को चार चांद लगा देगा, क्योंकि अगर पार्टनर खुश तो आप भी खुश। ज्यादातर लोग जो यौन मिलाप करते हैं उनके अनुसार किसिंग इस अनुभव की शुरुआत होती है। अगर ये शुरुआत होती है तो ऐसे कौन से और तरीके होते हैं जिनसे मैं अपने पार्टनर को सेक्सुअली सैटिस्फाई कर सकता हूँ? कामसूत्र के अनुसार कई लोगों की शुरुआत ही गलत हो जाती है जल्दबाजी की वजह से। ग्रंथ में कहा गया है कि चुंबन को संयम और सब्र से किया जाना चाहिए, क्योंकि चुंबन करने की गति आपके अराउजल को और आपके स्टिमुलेशन को बढ़ाती है, जबकि सेक्स करने के लिए आपको किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। नए कपल्स अक्सर इस प्रकार की गलतियां कर बैठते हैं, जिससे उन्हें लंबे समय तक यौन मिलाप में बने रहने में असुविधा हो सकती है। इसलिए फोरप्ले करते समय आपको धीरे धीरे किस करनी चाहिए। आप अपनी इच्छा के अनुसार अपने साथी के शरीर में कहीं भी किस कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने साथी के उन अंगों का पता लगाना चाहिए जहां उन्हें अधिक यौन उत्तेजना प्राप्त होती है। जैसे कि इंटरकॉस से पहले आपको आपके साथी के शरीर और इच्छाओं की पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा मिलाप से पहले आप अपने साथी को एक टैंटलाइजिंग मसाज देने की कोशिश करें। ऐसा करना आपके साथी को स्टिमुलेट करता है। आप उसके अराउजल को भी फील करें, उसके स्तनों को दबाएं और सहलाएं। इस तरह से आप दोनों एक दूसरे के एरोजिनस जोन्स को स्पेशल तरीके से स्पर्श कर सकते हैं। जैसा मैंने पहले कहा, दोनों के शरीरों में कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो सेक्सुअल अराउजल को बढ़ा सकते हैं। महिलाएं अपने पुरुष साथी के बालों की मालिश कर सकती हैं या उनकी गर्दन को किस कर सकती हैं, जबकि महिलाओं के स्तनों को सहलाना और उन्हें धीरे धीरे चूमना उन्हें काफी उत्तेजित करता है। मैंने बहुत बार देखा है कि रिया अपने नाखूनों का इस्तेमाल करती है, क्या इसीलिए महिलाएं उन्हें बढ़ाकर रखती हैं? Now you're getting naughty, Dhruv. हमारी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है और इंटरकॉस से पहले महिलाएं अपने पार्टनर को पूरी तरह से सुख देने के लिए अपने नाखूनों का उपयोग करती हैं। अपने नाखूनों का उपयोग करके वो अपने प्यार का इजहार करती हैं और उनके एरोजिनस जोन्स को दबा सकती हैं या खरोंच सकती हैं। आमतौर पर ऐसा उस समय किया जाता है जब सेक्स तीव्र और अपने चरम पर होता है। एक अच्छी टिप है कि आप अपने नाखूनों का उपयोग सेक्स की शुरुआत में नहीं करें। अच्छा इष्ट देवी, कई बार ऐसा होता है कि पहले आप में ही गाड़ी निकल जाती है, इफ यू नो व्हाट आई मीन। सेक्सुअल प्लेजर हासिल करने के लिए दोनों पार्टनर्स का अराउज्ड या सक्रिय होना जरूरी होता है। कामसूत्र के अनुसार मिलाप करते समय केवल पुरुषों को ही नेतृत्व या लीड नहीं करना चाहिए,
ग्रंथ में ऐसा कहा गया है कि महिला को बिस्तर पर लेटना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये भी होता है कि महिलाओं को यौन क्रिया के दौरान अपने साथी के साथ पूरी तरह से सक्रिय और आक्रामक रहना चाहिए, यानी कि वो पैसिव नहीं बल्कि एक्टिव रहें। लेकिन इस आक्रामकता का मतलब आपके साथी को चोट पहुंचाना नहीं है। यह आक्रामकता आपकी यौन भावना को स्टिमुलेट करने में सहायक होती है। जब आक्रामकता होती है और जब हमारे गर्दन पर निशान पड़ जाता है, तो कई बार जब मैं अपने दोस्तों से मिलने जाता हूँ तो वो मेरे गर्दन पर निशान देखकर मुझ पर हंसते हैं और मुझे काफी शर्मिंदगी महसूस होती है। क्यों? तुमने कोई जुर्म नहीं किया ध्रुव, किसी की चोरी नहीं की या किसी को मारा नहीं। ये निशान तो यौन मिलाप में लाजमी होते हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी रेगुलर है। कामसूत्र में सेक्स को बेहतर बनाने के इन जैसे बहुत से नुस्खे बताए गए हैं। लव बाइट्स भी इन्हीं प्रकार के फॉरप्ले टेक्निक्स में से एक है। लव बाइट्स सेक्स के दौरान स्टिमुलेशन का एक तरीका होता है जो शरीर के कुछ विशेष अंगों में काटने से संबंधित है। ये निशान अक्सर गर्दन, गाल, होंठ के ऊपर, पीठ आदि जैसे स्थानों पर देखने को मिलते हैं। इसका मतलब ये है कि सेक्स करने के दौरान अधिक उत्तेजना में लव बाइट्स कॉमन होती हैं। ये ज्ञान तो ठीक है ध्रुव, लेकिन इस मेहनत का कोई फायदा नहीं अगर। अगर? आप क्या कहना चाहती हैं इष्ट देवी? नए कपल्स को सेक्स की शुरुआत से पहले कुछ सामान्य बातों का ध्यान भी रखना चाहिए। कामसूत्र के अनुसार इंटरकॉस से पहले दोनों पार्टनर्स को शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार से सेक्स के लिए तैयार होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि एक्टिविटी के दौरान स्ट्रेस यानी तनाव या चिंता आदि का होना आपके सेक्सुअल प्लेजर में बाधा डाल सकता है। इसलिए यौन संबंध बनाने से पहले स्ट्रेस मैनेजमेंट सबसे अच्छी सेक्स टिप्स में से एक है। रही तुम्हारी गाड़ी निकल जाने की बात, तो सेक्स के दौरान अक्सर कपल्स अपने होश हवास खो बैठते हैं। ऐसी स्थिति में मिलाप तीव्र यानी अग्रेसिव हो सकता है, जिससे आप जल्दी ही चरम यानी कि क्लाइमैक्स पर पहुंच सकते हैं। जबकि सेक्स का पूरा आनंद लेने के लिए आपको धीरे धीरे सब्र के साथ इसका आनंद उठाना चाहिए। इसलिए एक्टिविटी के दौरान तुरंत रिएक्ट करने के बजाय आप सोच समझ कर काम करें। अच्छा ये बताइए कि जब मैं अपनी सेक्सुअल लाइफ की तुलना अपने एक दोस्त के साथ करता हूँ तो पाता हूँ कि वो तो काफी एक्टिव रहता है, जबकि मेरा रिकॉर्ड जरा डगमगा रहा है। कामसूत्र ग्रंथ में कुछ विशेष बातें बताई गई हैं, जिनका उपयोग कर आप अपनी सेक्सुअल एक्सपीरियंस को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन इसका अनुभव करने के लिए अपनी तुलना किसी दूसरे से न करना भी शामिल है, क्योंकि हर किसी व्यक्ति का शरीर और यौन क्षमता अलग अलग होती है। इसलिए आप अपनी और अपने साथी की किसी अन्य व्यक्ति के साथ तुलना कभी ना करें। ऐसा करना आप पर मनोवैज्ञानिक दबाव बना सकता है, जो कि आपकी परफॉर्मेंस पर भी काफी नेगेटिवली इफेक्ट कर सकता है। सही कहा आपने इष्ट देवी, लोग जहां अपनी प्रोफेशनल जिंदगी सुधारने के लिए ज्ञान प्राप्त करते हैं, वहीं अपनी पर्सनल सेक्सुअल हेल्थ को नजरअंदाज कर देते हैं। ये भी एक कला है और जिसे सीखकर हम जीवन का असली आनंद उठा सकते हैं। मुझे उत्तेजना यानी कि अराउजल के बारे में बताइए, ये क्या है, क्यों जरूरी है और ये महिलाओं और पुरुषों में कैसे होता है? ध्रुव अब सेक्स और लव मेकिंग के हर पहलू को समझना चाह रहा था। ये जानना चाह रहा था कि लव मेकिंग कितने तरीकों से की जाती है। मैं आपको बता दूं कि लव मेकिंग भी एक आर्ट है दोस्तों, जिसे जानने और समझने के लिए बने रहें हमारे साथ। दोस्तों, पुरुषों में उत्तेजना यानी कि सेक्सुअल एरोसल के तो क्लियर फिजिकल साइंस देख जाते हैं, पर क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि आपकी पार्टनर के वो कौन से फिजिकल और इमोशनल इशारे हैं जो ये दर्शाते हैं कि वो भी अराउज्ड हैं? तो देर किस बात की, बने रहिए हमारे साथ अगले एपिसोड में, जो देगा इन सवालों के जवाब। महिलाओं में सेक्सुअल अराउजल के क्या फिजिकल साइंस या चेंजेस होते हैं? सेक्सुअल अराउजल के कौन से और कितने स्टेजेस होते हैं? किस तरह आप इन चेंजेस को समझकर उन्हें बेस्ट एक्सपीरियंस दे सकते हैं? मेरी बात को ध्यान से समझो ध्रुव, यौन उत्तेजना
या सेक्सुअल अराउजल के शारीरिक प्रतिक्रिया में कई स्तर होते हैं। कामसूत्र के अनुसार महिलाओं और पुरुषों में इसके चार चरण होते हैं। इनमें शामिल हैं उत्तेजना यानी स्टिमुलेशन, उत्थान यानी अराउजल, सेक्सुअल प्री क्लाइमैक्स और स्थिरता यानी क्लाइमैक्स। इस बात से कम ही लोग वाकिफ हैं कि यौन मिलाप के दौरान आखिर एक महिला के शरीर में क्या होता है जब वो यौन उत्तेजना में होती है। जी, मैंने कई बार देखा कि रिया अलग अलग ढंग से रिएक्ट करती है। कभी उसके शरीर में कंपन होती है तो कभी वो अपने होश गंवाकर और आक्रामक हो जाती है। मुझे कई बार ये समझ में नहीं आता कि वो किस स्टेज पर है और इसी वजह से भी मेरी गाड़ी कई बार छूट जाती है। मुझे चरणों में समझाइए ये क्या माया है। चरण एक, कामोत्तेजना या उत्तेजना यानी कि सेक्सुअल एक्साइटमेंट। जब एक महिला उत्तेजित या अराउज हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उनके जननांगों यानी जेनिटल्स में खून का सर्कुलेशन बढ़ जाता है। इतना ही नहीं, उनकी योनि की दीवारों में भी खून का प्रवाह तेज हो जाता है जिससे द्रव्य इसमें से गुजरता है। ये चिकनाई का मुख्य स्रोत है जो योनि को द्रवित करता है। बाहरी जननांग या योनि मुख, जिसे हम क्लिटोरिस भी कहते हैं, योनि का ऊपरी हिस्सा और लेबिया के भीतरी और बाहरी भाग खून की आपूर्ति में तेजी आने के कारण थोड़ी सूज जाते हैं। इसके साथ ही शरीर के अंदर योनि के ऊपरी हिस्से का विस्तार होता है। इस स्टेज में महिला के नब्ज और सांसें तेज हो जाती हैं और उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। सेक्सुअल अराउजल के चलते एक महिला की छाती उष्म यानी कि आकार में बड़ी हो सकती है। ऐसा उसके खून के सर्कुलेशन के बढ़ने के कारण होता है। हाँ, ये अक्सर होता है कि रिया की सांसें भी भारी हो जाती हैं। दूसरा चरण यानी कि सेकंड स्टेज कौन सा होता है देवी? चरण दो, यौन उत्थान। इस स्थिति में योनि के निचले भाग में खून का प्रवाह सबसे ज्यादा हो जाता है। इस कारण योनि का निचला क्षेत्र सूजने के साथ स्थिर हो जाता है। इसे इंट्रोइटस कहा जाता है। कभी कभी इसे ऑर्गास्मिक प्लेटफॉर्म के रूप में भी जाना जाता है। जो काम उत्तेजना या सेक्सुअल अराउजल के दौरान लगातार किए जाने वाले स्टिमुलेशन से होता है। इस स्थिति में एक महिला के स्तन का आकार 25% तक बढ़ सकता है। महिला के निपल्स के करीबी हिस्से में खून का प्रवाह भी बढ़ जाता है जिससे वो कम उभरे हुए दिखाई देते हैं। काम उत्तेजना के चरम या सेक्सुअल क्लाइमैक्स को पाने के लिए इस स्तर पर लगातार पर्याप्त यौन उत्तेजना का होना जरूरी है। ये सारे बदलाव तो प्लेजरफुल होने के साथ साथ साइंटिफिक भी है। मुझे नहीं पता था कि सेक्सुअल प्लेजर में इतने सारे फैक्टर्स का एक साथ मेल कितना जरूरी होता है। आपसे ये ज्ञान पाकर मैं वाकई धन्य हो गया हूँ। मुझे तीसरे चरण के बारे में बताइए। चरण तीन, काम उत्तेजना का तीसरा चरण है ऑर्गेज्म। सेक्सुअल प्लेजर का चरम सुख यौन तनाव का एक तीव्र और एक इंटेंस एहसास है जो पहले चरण में पैदा होता है। अधिकांश महिलाएं उस समय का अनुभव नहीं करती हैं जो पुरुष अराउजल के चरम की बात करते हैं। एक महिला को सैटिस्फैक्शन का एक और चरण प्राप्त हो सकता है अगर वो फिर से उत्तेजित या अराउज या स्टिमुलेट हो। महिलाओं को हर बार सेक्स करने पर इंटरकोर्स के चरम का सुख नहीं मिलता है। ज्यादातर महिलाओं के लिए काम उत्तेजना के चरम को पाने में सेक्स से पहले एक दूसरे के साथ किए गए अंतरंग क्रियाकलाप या फोरप्ले की भूमिका अहम होती है। इसमें शामिल है उत्तेजित करने वाले हिस्से को सहलाना और भगनासा या क्लिटोरिस को उत्तेजित करना। ये तो तीन स्टेजेस हो गए इस देवी, लेकिन यौन मिलाप का चौथा और आखिरी चरण कौन सा होता है और ये क्यों जरूरी है? चौथा चरण है यौन स्थिरता। ये वो स्थिति है जब महिला का शरीर धीरे धीरे अपनी सामान्य स्थिति में लौट आता है। उनके अंगों की सूजन कम हो जाती है और उनकी सांस और हृदय गति भी हल्की हो जाती है। इस स्टेज को सही वक्त देना जरूरी है क्योंकि ये एक फिजिकल एक्सपीरियंस के बाद एहसास किए जाने वाले साइकोलॉजिकल प्लेजर का एक अहम जरिया है। इसलिए कहते हैं कि सेक्स के तुरंत बाद अपने पार्टनर को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। इससे आप दोनों को मानसिक सुखों का पूरी तरह से एहसास नहीं होता। याद रहे कि यौन मिलाप सिर्फ एक फन या प्लेजरेबल एक्टिविटी नहीं,
बल्कि आपके मानसिक संतुलन, रिलेशनशिप और पार्टनरशिप के लिए भी बेहद जरूरी होता है। इससे दोनों पार्टनर्स और करीब आ जाते हैं और एक सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। दोनों के बीच मनमुटाव मिट जाता है और स्ट्रेस और मूड स्विंग्स जैसी प्रॉब्लम्स भी नहीं होती। कितने अलग हैं पुरुष और महिला के शरीर, लेकिन दोनों के एक होते ही जैसे एक नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। हम दोनों के शारीरिक बदलाव भिन्न है। जहां महिला को चरम से पहले फोरप्ले की जरूरत होती है, वहीं हमें पेनिट्रेशन की उत्सुकता। इश देवी, मुझे बताइए कि किस तरह महिला यौन मिलाप के दौरान आक्रामक हो सकती है। मेरा मतलब है कि किस तरह वो अपने पार्टनर को अपने प्लेजर के लिए कंट्रोल कर सकती है और कैसे पुरुष उसे। ध्रुव के सवाल और कामसूत्र से मिलता ज्ञान उसे और क्यूरियस बना रहा था। धीरे धीरे वो सेक्सुअल एक्टिविटी को एक स्पिरिचुअल और साइकोलॉजिकल नजर से भी समझने लगा था। उसे सेक्स के अलग अलग पहलुओं का ज्ञान मिल रहा था। साथ ही साथ महान ग्रंथ कामसूत्र से उसे कई नए टिप्स भी मिल रहे थे जिन्हें वो अपने रिश्ते को सुधारने में आजमाना चाहता था। तो चलिए कामसूत्र के साथ आगे के सफर पर। इश देवी, मैंने कई बार ये सुना है, ज्यादातर ये कि खासकर महिलाओं को सेक्स या उससे संबंधित चीजों के बारे में नहीं पढ़ना चाहिए। ऐसा क्यों है और महिलाएं किस तरह यौन मिलाप में पुरुषों की तरह आनंद ले सकती हैं? ध्रुव, वात्स्यायन के ग्रंथ कामसूत्र में स्त्री पुरुष के शारीरिक संबंधों के बारे में विस्तार से और खुलकर लिखा गया है। हालांकि उस युग में स्त्री को एक भोग्या की तरह समझा जाता था, बिस्तर पर उसकी स्थिति एक वस्तु से अधिक और कुछ नहीं थी। लेकिन आज का युग और समय दोनों अलग हैं। आज स्त्रियां भी खुलकर अपने पार्टनर से अपनी यौन इच्छा के बारे में बात कर सकती हैं, अपनी इच्छा अनुसार सेक्स कर सकती हैं, अपनी पसंद नापसंद के बारे में बता सकती हैं। और तो और, अब पुरुष भी महिलाओं की इच्छा का सम्मान करने लगे हैं। तो क्यों ना एक नजर मारी जाए सेक्स को लेकर वर्तमान समय में स्त्रियों के नजरिए पर। ध्रुव, क्या तुम जानते हो कि कामसूत्र में 7 अध्याय हैं, जिसमें 6 अध्याय पुरुषों के लिए और 1 अध्याय महिला सेक्स वर्कर्स के लिए लिखा गया है। वात्स्यायन में स्त्रियों को 64 कलाओं जैसे पुरुषों को लुभाने, रिझाने, नृत्य, संगीत, अदाएं दिखाने में माहिर होने की सीख दी है, जिससे कि वो पुरुषों को ज्यादा से ज्यादा अपनी ओर आकर्षित कर सके। वात्स्यायन ने पुरुषों को भी स्त्रियों को लुभाने फुसलाने की कला सिखाई है और संसर्ग के विभिन्न आसनों के बारे में जानकारी भी दी है। पुस्तक में दिए गए सेक्स आसनों को अपनाकर सेक्स का भरपूर आनंद लिया जा सकता है। कामसूत्र के अनुसार स्त्रियों के लिए सबसे अच्छे सेक्स आसन वो होते हैं जो उन्हें पूरी तरह से संतुष्टि महसूस करा सके हैं। स्त्री अपने पुरुष साथी की गोद में बैठे, दोनों का चेहरा आमने सामने हो, जिससे संभोग की क्रिया या एक्टिविटी आसान बने। इस स्थिति में सेक्स के दौरान पुरुष अपनी महिला साथी के सरनू, गर्दन, गले, कान के पीछे, होठों पर किस कर सकता है, उसकी पीठ को हल्के हाथों से मसाज कर सकता है। इससे स्त्री को ऑर्गेज्म पाने में आसानी रहती है और वह संतुष्ट भी होती है। दूसरे सेक्स आसन में अगर पुरुष अपनी महिला साथी के सरनू पर अपने शरीर का भार न डालने की सावधानी बरते तो पुरुष ऊपर और स्त्री नीचे वाले सेक्स आसन भी सही है। इसके अलावा पुरुष नीचे और स्त्री के ऊपर होने का सेक्स आसन भी स्त्री को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त होता है। मैंने सुना और देखा भी है कि वक्त बदलते महिलाएं भी अपने सेक्सुअल प्लेजर को लेकर डिमांडिंग हो गई हैं। जहां एक वक्त था कि वो अपनी इच्छाएं साफ जाहिर नहीं कर पाती थी, वहीं आज वो अपने पार्टनर्स के साथ ये सब ओपनली बिना झिझक डिस्कस कर सकती हैं। आज के समय में महिलाएं अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को लेकर आवाज उठा रही हैं। सेक्स जीवन के सबसे अहम पहलुओं में से एक है। बदकिस्मती से तकियानुसी विचारों के चलते कई हजारों सालों तक महिलाओं को आवाज उठानी नहीं दी गई। लेकिन आज अपनी यौन इच्छाओं को लेकर बात करने के मामले में वो मुखर हुए हैं। वो अपने पार्टनर से बेझिझक इंटरकॉर्स को लेकर अपनी पसंद नापसंद को बयां कर सकती हैं। और पुरुष भी महिलाओं की इच्छा का सम्मान करने लगे हैं। और ये होना भी चाहिए।
हालांकि आंकड़े बताते हैं कि आज भी भारतीय समाज के 50% पुरुषों को सेक्स जैसे एक नेचुरल और बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए स्त्री की डिमांड करना नागवारी लगता है, फिर भी महिलाएं अपने यौन अधिकार को लेकर जागरूक हुई हैं। तो क्या कहीं कोई रूबुक है इसके लिए? कहीं लिखा है कि महिलाओं के हक और पुरुषों के हक यौन मिलाप को लेकर अलग होंगे? कामसूत्र के अनुसार उस जमाने में पुरुषों को कुंवारी और विवाहित महिलाओं से यौन संबंध बनाने की छूट थी, लेकिन यौन संबंध के मामले में स्त्री को इस प्रकार का कोई अधिकार प्रदान नहीं किया गया। उस युग में महिलाओं को पुरुषों की संपत्ति माना जाता था, संपत्तियों का अपना कोई अधिकार नहीं होता, जबकि उन पर संपत्ति मालिकों का पूरा अधिकार होता है। जबकि आज भारतीय समाज में ये राय काफी हद तक बदली है। आज के समय में स्त्रियों को भी अपनी इच्छा अनुसार पसंदीदा पुरुष से विवाह करने की, अपने मन माफिक पुरुषों से संबंध बनाने की, लिविंग रिलेशनशिप में रहने की, और अगर रिश्ता समझ न आए तो किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध बनाने और विवाह करने की छूट है। हालांकि 130 करोड़ भारतीयों की सोच से जुड़े भारतीय समाज ने अभी तक इसे खुले तौर पर स्वीकार नहीं किया है, पर चलन चल चुका है। इष्ट देवी, कई मूर्तियां और प्राचीन पेंटिंग्स में हम महिला को महिला के साथ और पुरुष को पुरुष के साथ यौन मिलाप की अवस्था में देखते हैं। तो क्या होमोसेक्सुअलिटी के बारे में भी कामसूत्र में बताया गया है? सेक्स स्त्री पुरुष को समान रूप से आनंद देता है, लेकिन क्रिया की समाज में मर्यादा और सीमा कायम की गई है। उस पर धार्मिक तथा सामाजिक स्तर पर संयम की लगाम भी है। साइंस का दावा है कि संयम न हो तो सेक्स व्यक्ति की मृत्यु बन सकता है। कामसूत्र जैसे महान ग्रंथ के रचयिता महर्षि वात्स्यायन ने संभोग के आनंदों को अभिमानिक माना है, पर महर्षि ने कामशास्त्र में समलैंगिक संबंधों का कोई जिक्र नहीं किया है। महिलाओं को किस तरह के पुरुष ज्यादातर पसंद आते हैं? स्त्रियों को पुरुषों का प्यार करने का ढंग, उनका ध्यान रखना, सेक्स के दौरान हिंसक व्यवहार न करना आकर्षित करता है। प्रत्येक पुरुष को चाहिए कि वह अपनी स्त्री को मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से सैटिस्फाइड रखे। पुरुष के प्यार करने का अंदाज नेचुरल, सॉफ्ट, सरल और कोमलता से भरा होना चाहिए। सेक्स के दौरान उसे अपने पार्टनर के साथ जल्दबाजी से नहीं बल्कि एक आदर्श साथी की तरह से ट्रीट करना चाहिए। उसे जबरदस्ती करने के बजाय उसकी सहमति से उसके साथ संबंध बनाना चाहिए। तभी स्त्री पुरुष दोनों को भरपूर आनंद मिलता है और क्लाइमैक्स की प्राप्ति होती है। अच्छा देवी, मुझे पता है कि महिलाओं की तुलना में पुरुषों की पोटेंसी या सेक्सुअल ड्राइव ज्यादा लंबी होती है। महिलाएं कब तक सेक्सुअली एक्टिव रह सकती हैं? आज के समय में 16 साल की उम्र से ही लड़कियां और लड़के सेक्सुअली एक्टिव होते दिख रहे हैं, और 65 साल की आयु में भी महिलाएं बच्चों को जन्म दे रहे हैं। इसलिए वर्तमान समय में सेक्सुअल लाइफ की एक्टिवनेस को लेकर कोई समय सीमा तय नहीं की जा सकती। आज के समय में लोग अपनी हेल्थ और फिटनेस के प्रति भी जागरूक हुए हैं, इसलिए भी उनकी सेक्सुअल हेल्थ की सीमा बढ़ गई है। पहले माना जाता था कि स्त्रियां 40 के बाद सेक्सुअली पोटेंट एक्टिव नहीं रहती, लेकिन आज ये धारणा बिल्कुल बदल चुकी है। आजकल तो महिलाएं 40 के बाद ही बच्चों को जन्म दे रहे हैं। इतना सब कुछ जानने के बाद ध्रुव के मन में और भी कई सवाल उठ रहे थे जो हर कोई जानना चाहता है। अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं जो चाहते हैं अपनी लाइफ में कंप्लीट सेक्सुअल सैटिस्फैक्शन, तो बने रहिए हमारे साथ इस सफर में। इश्क देवी, अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ वो बात जो दरअसल ज्यादातर लोग जानना चाहते हैं, प्लेजर के नजरिए से और सेक्सुअल परफॉर्मेंस के नजरिए से कौन सा ऐसा तरीका है या पोजीशंस हैं जो कि महिला और पुरुष दोनों को ही यौन मिलाप में अत्यधिक उत्साह और सुख देते हैं। ध्रुव, यौन क्रीड़ा का आनंद उठाना दोनों महिला और पुरुष का एक प्राकृतिक भाग है, लेकिन इसमें एक बात का ध्यान रखना जरूरी है कि जब तक दोनों अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते, तब तक कामसूत्र में दिए गए इन यौन आसनों या सेक्स पोजीशंस को आजमाना भी व्यर्थ है। इसलिए सबसे पहले अपने पार्टनर के लिए आदर, प्रेम और विनम्रता, इन आसन का भरपूर आनंद उठाने के लिए सबसे जरूरी है। महर्षि वात्स्यायन ने
कामसूत्र में वैसे तो 18 ऐसे आसनों का वर्णन किया है, जिसमें से सबसे असरदार आसन का वर्णन दो भागों में मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगी। सबसे पहला है मिशनरी पोजीशन। हाँ, इसके बारे में तो मैंने सुना है, काफी कॉमन पोजीशन है ये तो, लेकिन इसके लाभ क्या होते हैं? एक, मिशनरी पोजीशन में मैन ऑन टॉप यानी कि पुरुष ऊपर और महिला उसके नीचे केंद्रित होती है। इस आसन में महिला अपनी पीठ के बल नीचे लेती है और पुरुष साथ ही उसके ऊपर घुटनों के बल बैठा है। सेक्स को इजी बनाने के लिए पुरुष साथी को महिला के पैरों को अपनी कंधों पर टिका लेना चाहिए। इस पोजीशन की सबसे अच्छी बात है कि इसमें दोनों फेस टू फेस होते हैं और एक दूसरे के फेशियल एक्सप्रेशंस को देख और महसूस कर सकते हैं। एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर साथ में ही दोनों चरम यानी कि क्लाइमैक्स तक भी पहुंचते हैं। इस आसन के कुछ लाभ है, दोनों पार्टनर्स का एक दूसरे के सामने होना। महिलाएं इस आसन में अपनी हिप्स या बटक्स का काफी अच्छा इस्तेमाल कर सकती हैं। इस आसन में दोनों शरीर एक होते हैं, जिससे फॉरप्ले में भी आनंद आता है। महिलाओं के लिए यह सेक्स पोजीशन काफी कंफर्टेबल होती है। जिन कपल्स के बीच हाइट का अंतर होता है उन्हें इस पोजीशन में बेहतर पेनेट्रेशन मिल पाता है। दो, अगला है कामसूत्र में वर्णित सबसे ज्यादा मशहूर आसन, जिसे 69 के नाम से भी जाना जाता है। एक ही समय में दोनों पार्टनर्स को एक साथ ओर्गाज्म का आनंद इसी आसन में मिलता है। यही वजह है कि कामसूत्र में ये सबसे लोकप्रिय भी है, क्योंकि अक्षर 6 को पलटने पर वो 9 बन जाता है, इसलिए इस आसन को 69 कहते हैं। वैसे यह आसन ओरल सेक्स के अंतर्गत आता है। हाँ, इस पोजीशन को तो मैं समझ गया इश देवी। अगला कौन सा असरदार आसन होता है? ध्रुव, समझदार को इशारा काफी होता है। तीसरा आसन है फेस टू फेस। कई बार सेक्स के दौरान पुरुष काफी थक जाते हैं और यही वजह है कि उनका ध्यान अपनी फीमेल पार्टनर को संतुष्ट करने की तरफ से कम हो जाता है, लेकिन इस आसन में दोनों को ही समान रूप से संतुष्टि मिलती है। इसे आप बैठकर, लेटकर, खड़े होकर या घुटनों के बल बैठकर भी कर सकते हैं। जरूरी यह है कि इसमें दोनों साथी एक दूसरे के आमने सामने होते हुए यौन मिलाप करते हैं। इस आसन के कुछ फायदे इस तरह दिए गए हैं। इस पोजीशन को करते समय दोनों का चेहरा एक दूसरे के सामने होता है, इसलिए दोनों ही एक दूसरे के फेशियल एक्सप्रेशंस को नोट करते हैं और जिस तरह साथी आनंद का अनुभव कर रहा होता है वैसा ही ट्राई करते हैं। इस पोजीशन में दोनों आमने सामने होते हैं, इसलिए फॉरप्ले करने का मौका भी दोनों को बराबर मिलता है। इस पोजीशन में दोनों एक दूसरे के इशारों को भी देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं। वाओ, दिस इज समथिंग न्यू। इस पोजीशन के बारे में तो मुझे पता ही नहीं था। और ऐसे कौन से आसन हैं जो महिला और पुरुष दोनों को ही यौन मिलाप का आनंद बराबर दे सकते हैं? तुमने स्पूनिंग शब्द सुना ही होगा ध्रुव। ये कटलिंग शब्द का ही एक सेक्सुअल वर्जन है। कई बार तुमने अपने पार्टनर को पीछे से हाथ करके सरप्राइज किया होगा। बस यही अगर दोनों पार्टनर्स लीड करें तो इसे स्पूनिंग पोजीशन कहते हैं। इस आसन में लगभग दोनों पार्टनर्स के शरीर एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं। इससे न सिर्फ यौन मिलाप में अत्यंत आनंद आता है, पर इससे आप अपने पार्टनर के साथ मानसिक रूप से भी जुड़ते हैं। उनकी सांसों और दिल की धड़कनों को सुन और महसूस कर सकते हैं। एक सेक्सुअल एक्सपीरियंस होने के साथ साथ महिलाओं के लिए खासकर एक इमोशनल, स्पिरिचुअल और बेहद रोमांटिक आसन साबित होता है। इसके फायदे कुछ इस तरह है। ये सेक्स पोजिशन इमोशनल कनेक्शन के लिए काफी अच्छी मानी जाती है। गर्भवती महिलाओं के लिए प्रेगनेंसी के दौरान भी इस आसन को सेफ माना जाता है। इस आसन में महिला को दर्द भी नहीं होता है। चरम यानी क्लाइमैक्स तक पहुंचकर ऑर्गाज्म का मजा लेने के लिए ये सबसे अच्छी पोजिशन मानी जाती है। लव मेकिंग इज ट्रूली एन आर्ट और मैं इस कला को सीखना चाहता हूँ इश देवी, मुझे और ज्ञान दीजिए। धन्य है गुरु महर्षि वात्स्यायन की कामसूत्र। एक और आनंदमय आसन है क्रिस क्रॉस आसन। इस पोजीशन में यौन मिलाप करने से शरीर पर ज्यादा भार नहीं पड़ता है। इस आसन में महिला साथी नीचे होती है और पुरुष महिला की टांगों के बीच से निकलकर कैंची की तरह की आकृति बनाते हैं, यानी कि मेल पार्टनर अपने लेग्स क्रॉस करके बैठता है और फीमेल एक तरह से पुरुष की गोद में
उसे हाथों और पैरों से लपेट कर बैठती है। इसके कुछ फायदे भी हैं, जैसे कि इस आसन में दोनों पार्टनर्स एक दूसरे के सामने होते हैं, इसलिए वो एक दूसरे को आसानी से अराउज या उत्तेजित कर सकते हैं। एक अत्यंत प्लेजरेबल पोजिशन है जो कि खासकर पुरुषों को अत्यंत सेक्सुअल प्लेजर देता है। ये शारीरिक ताकत के लिए भी अच्छा है क्योंकि इससे दोनों ही पार्टनर्स की पैरों की मसल्स मजबूत होती है। कौन कह सकता था कि ये सब साइंटिफिक, बायोलॉजिकल और सेक्सुअल ज्ञान भारत में सदियों पहले एक महर्षि ने स्वयं अपने ग्रंथ में लिखा है। आज जहां पूरी दुनिया कामसूत्र से प्रेरित है, वहीं ये मानना मुश्किल है कि ये मॉडर्न एप्लीकेबल साइंस हजारों साल पहले हमारे पास था। इश देवी, मुझे कुछ और आसनों और उनके लाभों के बारे में ज्ञान दीजिए। ध्रुव वाकई अचरज में था और होना भी चाहिए। उसके मन में कामसूत्र को लेकर जो भ्रम थे वो सब आज चूर चूर हो गए थे, और साथ ही उसे सेक्सुअल हेल्थ और प्लेजर पाने की पोजीशंस के बारे में भी खुद वात्स्यायन से ही ज्ञान मिल रहा था। ध्रुव इष्ट देवी से कुछ पूछते पूछते रुक गया। उसे अपना अगला सवाल पूछने में झिझक महसूस हो रही थी। Letting my imagination run wild. पर इष्ट देवी, क्या कोई आसन ऐसा भी है जिसका भरपूर आनंद दोनों पार्टनर्स खड़े होकर भी उठा सकते हैं? क्या तुम्हारा इशारा स्टैंडिंग पोजीशन से है ध्रुव? ये याद रखना कि बिना सवाल किए कोई ज्ञान हासिल नहीं हो सकता। There is nothing like a wrong question. ये आसन खासतौर पर तब किया जाता है जब आप कहीं बाहर होते हैं, यानी कि बेडरूम उपलब्ध ना हो और आप कपड़े पहने ही यौन मिलाप का मजा लेना चाहते हैं। इसमें सेक्स के दौरान दोनों साथी एक दूसरे के बिल्कुल सामने खड़े होते हैं। खड़े होकर सेक्स करने की एक और पोजीशन भी है जिसमें महिला साथी पुरुष साथी के कंधों को दोनों हाथों से पकड़कर लगभग पुरुष की गोद में बैठ जाती है और पुरुष साथी की कमर में अपने पैरों को क्रॉस कर लेती है। स्टैंडिंग सेक्स पोजीशन के कई फायदे होते हैं, जैसे कि यह आसन काफी आरामदायक होता है क्योंकि इसमें पुरुष साथी महिला साथी को दीवार से सटाकर परफॉर्म कर सकता है। इस पोजीशन में महिला साथी को एक अलग ही प्लेजर महसूस होता है। इस स्थिति में महिला के जी स्पॉट को पूरी तरह से टच किया जा सकता है, जिससे सेक्स में इंटेंसिटी भी बढ़ती है। ये पोजीशन ओरल सेक्स करने के लिए भी उपयुक्त होता है। इस स्थिति में महिला के पैर दीवार से टिके होते हैं, जिस वजह से पुरुष साथी को धक्के लगाने में आसानी होती है। इस पोजीशन में महिला का पूरा वजन पुरुष साथी पर आ जाता है, इसलिए महिला चाहे तो पीछे किसी टेबल पर बैठ सकती है, जिससे ये क्रिया थकाने वाली ना हो और पूरा आनंद आ सके। ये तो जरूर ट्राई करूंगा। शायद इसी की कमी थी मेरी सेक्स लाइफ में, वैरायटी की। शायद रिया को भी हमारे रिलेशनशिप में फिजिकल और सेक्सुअल नयापन भा जाए। यही तो नया बात है वात्स्यायन के कामसूत्र की ध्रुव, कि जब तक तुम्हें अपने पार्टनर के प्रति इज्जत, कद्र और प्यार है, तब तक तुम इस महान ग्रंथ में दिए गए उपायों, टिप्स और पोजीशंस का भरपूर आनंद उठा सकते हो। अगला आसन जानना चाहोगे ध्रुव? बिल्कुल। एक ऐसा आसन है जो कि सेक्सुअल प्लेजर देने के साथ साथ दोनों पार्टनर्स के लिए एक अच्छा जिम सेशन भी बन जाता है। अगर मैं कहूं कि इस आसन के जरिए दोनों बहुत सारी कैलोरीज बर्न कर सकते हैं, तो तुम क्या कहोगे? वैसे सेक्स में जितनी इंटेंसिटी उतनी ही मेहनत लगती है, इसीलिए मैं समझ सकता हूँ कि कुछ पोजीशंस व्यायाम यानी कि शारीरिक फुर्ती के लिए एडवांटेजेस भी हो सकती हैं। बिल्कुल, और साथ ही ये पोजीशन महिलाओं को काफी पसंद भी होती है क्योंकि इसमें महिलाएं कंट्रोल में होती हैं। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, काउ गर्ल, यानी कि इसमें सारी सत्ता महिला के पास होती है और वो ये डिसाइड कर सकती है कि वो कितनी तेजी से यौन मिलाप करती है। काउ गर्ल सेक्स पोजीशन में पुरुष अपनी पीठ के बल लेटता है और महिला अपने मेल पार्टनर के ऊपर होती है, लेकिन उल्टी तरफ फेस करती है, जिससे उसकी छाती के बजाय पुरुष उसकी पीठ और नितंब को देख सकता है। इस आसन के फायदे इस तरह से हैं। अगर पुरुष साथी का वेट ज्यादा है तो ये पोजीशन महिलाओं के लिए सबसे कंफर्टेबल होती है।
इस आसन में महिलाएं अपने मेल पार्टनर को आसानी से फॉरप्ले के द्वारा उत्तेजित करती हैं। इस आसन में शरीर के लोअर एब्डोमिनल, पेल्विक मसल्स और पैरों की मांसपेशियों को मजबूती भी मिलती है। इस आसन में यौन मिलाप करने में महिलाओं को काफी मेहनत करनी पड़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप वो इस क्रिया से 200 कैलोरीज तक बर्न कर सकती हैं, जबकि पुरुष भी 40 से 50 कैलोरीज बर्न कर सकते हैं। इन आसनों के अलावा कामसूत्र में वैलेंटाइन पोजीशन का भी जिक्र मिलता है, जो कि काफी भावुक स्थिति माना जाता है। इस पोजीशन में आप अपने साथी को प्यार से सीने से लगाकर उनके साथ यौन मिलाप कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे, इस आसन में आप आक्रामक या बहुत ज्यादा उत्तेजक नहीं बन सकते। ये काफी इमोशंस को व्यक्त करने वाला आसन होता है। महिलाएं इसमें अपने साथी की गोद में क्रॉस पैर की पोजीशन में बैठें, उनकी गोद में अपना पूरा प्यार न्यौछावर करते हुए वो अपने साथी के चारों ओर लिपट कर और एक दूसरे को गले लगाकर मिलाप का आनंद उठा सकते हैं। कामसूत्र में एक और स्पेशल आसन का वर्णन है, जिसे मैजिक माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। ये पोजीशन ज्यादातर लोग सेक्स और भी ज्यादा इंटेंस बनाने के लिए अपनाते हैं। एक दूसरे के बेहद करीब पैरों को एक दूसरे के पैरों में फंसाकर और बैठकर इसमें यौन मिलाप किया जाता है। इस पोजीशन के लिए आपको अपने पार्टनर के साथ बैठना होगा। इस आसन में आप एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं और एक इंच की भी दूरी नहीं होती। आप इस पोजीशन में अपने पार्टनर में तन और मन दोनों तरह से सिमट जाते हैं और काफी रोमांच का आनंद उठा सकते हैं। वाह इश देवी, इतने बड़े ज्ञान का भंडार है महर्षि वात्स्यायन का लिखित ये महान ग्रंथ। इतना सब जान लेने के बाद मेरी उत्सुकता आसमान छू रही है, क्यूरियोसिटी उस सज्जन के बारे में जानने की, महर्षि वात्स्यायन के बारे में सुनने और समझने की। जरूर ही वे अपने समय के दिग्गजों में गिने जाते होंगे। कहां जन्मे थे ये महापुरुष जिन्होंने मॉडर्न सेक्सुअल साइंस को इतनी बारीकी से समझा और परखा, और सेक्स के फिजिकल से लेकर बायोलॉजिकल, स्पिरिचुअल, इमोशनल और मेटाफिजिकल नजरियों को भी देखा और जाना, वो भी ऐसे जमाने में जब साइंटिफिक रिसर्च ना के बराबर हुआ होगा। ये कहना पूरी तरह से सही नहीं ध्रुव कि महर्षि वात्स्यायन के समय साइंटिफिक रिसर्च नहीं थी, वरना हमारे कई और दिग्गजों ने तो बाकी दुनिया से पहले चांद, तारों, प्लैनेट्स, सोलर सिस्टम, आयुर्वेद, सर्जरी और मैकेनिकल और एप्लीकेबल साइंसेस जैसे कि एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स और फिजिक्स, यहाँ तक कि पॉलिटिक्स पर ग्रंथ नहीं लिखे होते, है ना? मुझे महर्षि वात्स्यायन के बारे में बताइए कि वो कौन थे, कहाँ रहते थे, किस समय में रहते थे और उन्होंने कब काम सूत्र लिखा। ध्रुव अब उन सारे तरीकों से वाकिफ था जो उसे और उसके पार्टनर को एक सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन के साथ साथ मेंटल और स्पिरिचुअल सुख भी दे सके, और वो जान गया था कि बॉडी के साथ साथ माइंड को कैसे एक्सप्लोर किया जाए। इन सारे सेक्सुअल पोजीशंस को जानकर वो बहुत ही एक्साइटेड और खुश था, और शायद आपको भी इसे सुनकर और समझकर कामसूत्र के अद्भुत ज्ञान की प्राप्ति हुई होगी। ब्रह्मचारी तथा एक सन्यासी होने के साथ साथ वात्स्यायन को कामुक विषय की गहरी समझ भी थी। ऐसा कहा जाता है कि वात्स्यायन ने कामसूत्र, वैश्यालयों में जाकर देखी गई पोजीशंस को देखकर होने वाले अनुभवों पर लिखा। सेक्स जैसे व्यक्तिगत विषय को उन्होंने कई नए और खूबसूरत आयाम भी दिए। बताया जाता है बनारस में लंबा वक्त बिताने वाले वात्स्यायन ऋषि बहुत ज्ञानी, दार्शनिक और चार वेदों के ज्ञाता थे। इनका मानना था कि सेक्सुअल डिजायर्स के विषय पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए। वो कहते थे कि इनकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। इसी उद्देश्य से उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की। उन्होंने अपनी किताब के माध्यम से इस बात को सुनिश्चित करने की कोशिश की कि लोग इस संबंध में बेहतर जानकारी हासिल कर सकें। दरअसल कामसूत्र को एक ब्रॉड माइंडेड रूप से देखा जाए तो ये बेहद ही आनंददायक विषयों का संग्रह ग्रंथ है, जिसमें न केवल यौन मिलाप बल्कि पुरुष का स्त्री की तरफ आचरण, स्त्री का समाज में आदर और सम्मान, कपल्स के बीच के मतभेदों को दूर करने के उपाय और स्वास्थ्य, साफ सफाई यानी कि पर्सनल हाइजीन पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। संस्कृत में ट्रांसलेट किया जाए तो कामसूत्र का अर्थ काम की पुस्तक या काम का सिद्धांत है।
इसके अनुसार ये सवाल उठता है कि काम का हमारे लिए क्या उद्देश्य और महत्व है। सेक्स को हिंदी में काम शब्द से जाना जाता है। काम मानव जीवन का एक अहम हिस्सा है जिसमें फिजिकल और इमोशनल आनंद शामिल है। आमतौर पर भारतीय संस्कृति चार विषयों पर विशेष जोर देती है। कौन से हैं ये चार विषय इष्ट देवी? पहला, काम। काम जीवन का अभिन्न और आवश्यक पहलू है जो किसी भी व्यक्ति के लिए भौतिक और भावनात्मक आनंद प्राप्त करने में सहायक होता है। दूसरा, अर्थ। ये अनुभूति, क्षमता, भौतिक समृद्धि, सुंदरता और शक्ति प्राप्त करने में अहम माना जाता है। तीसरा, धर्म। धर्म का अर्थ है नैतिकता जो हमें अपने जीवन में प्रमुख रूप से शामिल करनी चाहिए। चौथा, ज्ञान। ज्ञान हमें मोक्ष और मुक्ति दिलाने का साधन है। ये सभी गुण किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। ये सभी विषय कहीं ना कहीं काम सूत्र में शामिल किए गए हैं। इस प्रकार काम जो एक कामुक आनंद के लिए जिम्मेदार है, इसे प्राप्त करने के लिए काम सूत्र ग्रंथ बहुत हेल्पफुल माना गया है। तो सेक्स के अलावा काम सूत्र से और कौन सा ज्ञान हमें मिलता है? ग्रंथ में दी गई जानकारियों से साफ जाहिर है कि धार्मिक और दार्शनिक ग्रंथों का अनुसरण करता है, इसलिए काम सूत्र को एक गाइड बुक माना जाता है। ये ग्रंथ मानव जीवन के चार लक्ष्यों में से काम लक्ष्य प्राप्त करने का सबसे अच्छा स्रोत है। काम सूत्र मानव जीवन में कामुक आनंद प्राप्त करने में सहायक है जिससे प्यार, इच्छा, यौन संतुष्टि और जुनून आदि को प्राप्त किया जा सकता है। काम सूत्र ग्रंथ का उद्देश्य सिर्फ यौन संबंधी जानकारी प्रदान करना ही नहीं है, बल्कि ये पुरुषों और महिलाओं के बीच आपसी संबंध, शारीरिक निकटता और विश्वास आदि के बारे में भी शिक्षा देता है। मानव जीवन को प्लेजरेबल और पर्पसफुल बनाने के लिए महिला और पुरुष दोनों का एक साथ रहना आवश्यक है। काम सूत्र ग्रंथ में महिला और पुरुषों के एक साथ रहने के दौरान उन दोनों के व्यवहार और काम कला संबंधी जानकारी भी दी गई है। इस जानकारी के साथ साथ काम सूत्र को लेके गलत फहमियाँ या मिथ्स भी है ना? बहुत से लोगों के मन में काम सूत्र से जुड़ी कई गलत धारणाएं बन चुकी हैं ध्रुव। कुछ लोगों का मानना है कि एक वल्गर या अश्लील ग्रंथ है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस ग्रंथ में मानव जीवन और विशेष रूप से यौन जीवन को बेहतर बनाने के तरीके बताए गए हैं। कि बहुत से लोग जो काम सूत्र पुस्तक का केवल नाम जानते हैं, उनके मन में गलत धारणा है कि ये पुस्तक केवल यौन सुख प्राप्त करने से संबंधित जानकारी प्रदान करती है, जबकि ऐसा नहीं है। काम सूत्र ग्रंथ में सिर्फ 20% ही ऐसे चैप्टर्स हैं जो खास तौर से यौन आसन या सेक्स स्थितियों का वर्णन करते हैं। इसके अलावा इस पुस्तक में शारीरिक ज्ञान जैसे लिंग का आकार, लिंग का स्वास्थ्य और अन्य जानकारियां उपलब्ध हैं जो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए जाननी जरूरी है। एक और गलतफहमी ये है कि इस ग्रंथ में वल्गर चित्रों की अधिक मात्रा होती है, जबकि ऐसा नहीं है। ज्यादातर कामसूत्र ग्रंथ में किसी भी प्रकार की यौन स्थितियों वाले चित्र नहीं है। हाँ, कामसूत्र का अनुवाद करने वाली कुछ और किताबों में जरूर कुछ ऐसे फोटोज या आर्ट शामिल हैं जो यौन स्थितियों को दर्शाते हैं। इस प्रकार के चित्र विशेष रूप से सबसे पहले यूरोपियन किताबों में दिखाई दिए थे जो कामसूत्र पुस्तक के अनुवाद थे। कई लोगों का ये भी मानना है कि कामसूत्र ग्रंथ में दिए गए ज्ञान का कोई खास उपयोग नहीं होता। ये बिल्कुल सही नहीं है। महर्षि वात्स्यायन मलनागा को प्राचीन समय के प्रमुख दार्शनिकों और वैज्ञानिकों के रूप में जाना जाता है। इनका उद्देश्य अश्लील किताब या ग्रंथ लिखने का नहीं था। इनके अनुसार यौन क्रिया एक स्वाभाविक और अति महत्वपूर्ण क्रिया है जिसकी पूरी जानकारी हर व्यक्ति को नहीं है। साथ ही आम लोग सेक्स को वैज्ञानिक नजरिए से नहीं देखते हैं, इसलिए उन्होंने इस प्रकार के ग्रंथ की रचना की जिसमें काम शब्द को विस्तार से समझाया गया है। इस ग्रंथ में उन सभी कारकों को शामिल किया गया है जो मानव को फिजिकल और इमोशनल प्लेजर्स दिलाने में मदद करते हैं। यौन संबंध मानव जीवन का अभिन्न अंग है जो अनुभव और ज्ञान के बिना पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यदि आज की युवा पीढ़ी भी इसकी जानकारी प्राप्त करना चाहती है तो उसे सबसे पहले शर्म को छोड़कर कामसूत्र ग्रंथ का अध्ययन करना चाहिए। ध्रुव की आंखों में आंसू आ गए
वो कामसूत्र को एक ग्रंथ, एक सभ्यता के अटूट अंग की तरह समझकर अपने आप को भाग्यशाली समझ रहा था, तभी इष्ट देवी की आवाज लाइब्रेरी में गूंज उठी। अब मेरे जाने का वक्त आ गया है ध्रुव, मुझे आशा है कि कामसूत्र को लेकर तुम्हारे मन में जो कल्पनाएं और मिथ्स थे वो तुम्हें अब समझ आ गए होंगे। इस ज्ञान को अपने जीवन में उतार लो और अपने पार्टनर के साथ सेक्सुअली हेल्दी जीवन व्यतीत करो, क्योंकि जब तक हम मनुष्य शारीरिक तौर पर स्वस्थ नहीं होंगे तब तक हमारा मन भी अशांत होगा और अस्थिर रहेगा, और हमारा फिजिकल, इमोशनल और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस कभी कम नहीं होगा। याद रखना ध्रुव कि सेक्सुअल हेल्थ इंसान के लिए बेहद जरूरी है, और इसका ज्ञान हासिल करना हमारा प्राकृतिक और जन्म सिद्ध अधिकार है। इसीलिए प्रश्न करती रहो और काम सूत्र के उपायों, टिप्स और गाइडेंस के जरिए एक सेक्सुअली प्लेजरफुल लाइफ जीते रहो। मैं किस तरह आपका धन्यवाद करूं इष्ट देवी, ये ज्ञान तो हर इंसान को होना चाहिए, क्योंकि ये पूरे समाज के लिए खुशहाली और संतुलन लाने की भी बात करती है। इसमें बताए गए पोजीशंस के साथ साथ सोशल सबक भी हमें अपने एक पर्पसफुल जिंदगी जीने में मदद करेंगे। आपको और महर्षि वात्स्यायन को कोटि कोटि प्रणाम। इतना कहते ही लाइब्रेरी में एक हवा का झोंका आया और अब तक गूंजने वाली इष्ट देवी की आवाज शांत हो गई। ध्रुव अपनी गाड़ी में बैठकर अपने घर पहुंचा और उसने रिया को गले से लगा लिया। वो अब अपने रिश्ते और जिंदगी को एक नए रुख से जीने के लिए पूरी तरह से तैयार था।